तो दोस्तों जैसे कि ये देख सकते हैं सावन में जो हमारे सिंहेश्वर स्थान के पास में जो दोनों तरफ से दुकान लगा हुआ है, भारी मात्रा में दुकान लगा हुआ, भीड़ भी बहुत है। और चलिए अरुण भाई एक बार बताइए, ये जैसे झारखंड में देवघर है, देवघर जो बोलबम जिसे बोलते हैं, बहुत सारे फेमस स्थानों के में से हर कोई जाता है बोलबम, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। जैसे सामान उमान इतना बड़ा दुकान लगा हुआ है, कोई भी श्रद्धालु देवघर जाते हैं तो वो देवघर होते हुए यहाँ का पूजा नहीं करते तो उसका पूजा हमको लगता है सफल नहीं होता। यहाँ पे हर कोई जो देवघर बोलबम जाते हैं पूजा करने के, वो यहाँ आने के बाद भी करता है पूजा, ये तो गारंटी है। हाँ, उसका पूजा भी हमको लगता पूरा सफल होता है। हाँ, ये देख सकते हैं मेला काफी अच्छा लगता है, भीड़ लगता है और आपको घर का हर एक सामान जरूरत का सामान आपको इजीली मिल जाएगा। सही बात है। तो ये शॉप दुकान लगा हुआ है जस्ट सामने में, साइड में सिंहेश्वर स्थान के बस साइड में, भीड़ भी भाई खतरनाक है। बड़ा मार्केट भी है, उसका मार्केट का अगर बोलेगा तो उसका भी सिंहेश्वर स्थान है, बहुत बड़ा मार्केट है, ये तो मेला की भीड़ है और मार्केट भी उतना ही बड़ा है, खतरनाक भी है। दोस्तों चलिए और बाकी आगे भी पूजा करने का समय नहीं मिला, हम लोग अंदर भी जा नहीं पाए तो हम अभी तक पूजा हो सकता है। हाँ, हो सकता था और अंदर भी नहीं जा पाए मंदिर के अंदर, ब्लॉगिंग के लिए चारों तरफ वीडियो कैप्चर करना था तो अंदर नहीं जा पाए। देख सकते भाई लोग, बाकी भाई लोग सब देख रहे हैं, और भी भाई लोग बोल रहे हैं कौन सा ब्लॉग है, कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल पे दीजिएगा, कौन सा चैनल पे दीजिएगा। चलिए बाकी हम दिखाते हैं और आगे का कुछ नज़ारा। ये खाने पीने का भी यहाँ पे व्यवस्था है, ये देख सकते हैं। ये सावन का मतलब बेस्ट मेला है ना यार, हमारे बिहार का गाड़ी पार्किंग का भी दिखाएंगे इसके बाद। चल इधर इधर पीछे वाला ले लेते हैं, पार्किंग वाला लास्ट में ले लेंगे क्या, बस है भाई जो थोड़ा सामान भी लेना था, चलो उधर ले लेते हैं।